कोरोना सख्ती पर होंगे आज कड़े फैसले। मुख्यमंत्री की घोषणा, आज रविवार शाम 5 बजे ओपन बैठक में लिए जाएंगे सख्त फैसले। राहत, प्राइवेट लैब में अब 350 रुपए में होंगे RT-PCR टेस्ट। जयपुर, कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों के बाद सरकार की चिंता बढ़ गई है। प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 9000 को पार कर गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को कोरोना कोर ग्रुप और मेडिकल एक्सपर्ट के साथ मैराथन बैठक कर फीडबैक लिया। सरकार अब प्रदेश व्यापी कर्फ्यू सहित दूसरी पाबंदियां बढ़ाने पर विचार कर रही है। रविवार दोपहर 12 बजे कैबिनेट की बैठक में कोरोना के हालात पर चर्चा होगी। शाम 5 बजे CM ने ओपन बैठक बुलाई है, जिसमें अगले कदम के बारे में चर्चा होगी। ओपन बैठक में तय होगा कि कौन सी नई पाबंदियां लगानी है, वीकेंड कर्फ्यू का दायरा बढ़ेगा या नहीं। कहा जा रहा है कि लॉकडाउन के दिन बढ़ाए जा सकते हैं। गहलोत ने लिखा, 5 बजे की ओपन बैठक में लिए जाएंगे जरूरी फैसले। बैठक के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर लिखा, देश प्रदेश में जिस तरह से मरीजों और मृतकों की संख्या बढ़ती जा रही है, हालात चिंताजनक है। आज भी प्रदेश में 9046 कोविड केस आए हैं और 37 लोगों की मृत्यु हुई है। इसी संदर्भ में आज लगभग 3.5 घंटे समीक्षा की, कल निवास पर 12 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होगी, उसमें कोविड को लेकर चर्चा होगी। उसके बाद शाम 5 बजे वापिस कोविड रिव्यू मीटिंग होगी, जिसमें सभी के लिए ओपन रखेंगे और उसके बाद कुछ जरूरी फैसले लिए जाएंगे। हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता जीवन बचाना है। विशेषज्ञों ने सरकार को वीकेंड लॉकडाउन कम, कर्फ्यू सख्ती से लागू करने का सुझाव दिया। इस बार वीकेंड कर्फ्यू में पाबंदियां कम है। अगले सप्ताह आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद रखने का विकल्प अपनाया जा सकता है। CM की बैठक में कोरोना की जिलेवार हालात और वैक्सीनेशन की भी समीक्षा की गई है। कोरोना के ज्यादा प्रकोप वाले जिलों में ज्यादा सख्ती करने का सुझाव दिया है। कोरोना की नई गाइडलाइन के मुताबिक 5 बजे से बाजार बंद करने और शाम 6 से सुबह 5 बजे तक के कर्फ्यू में सख्ती होगी। अब तक पुलिस बाहर घूमने वालों के प्रति नरम थी, अब सख्ती के आदेश दिए जाएंगे। अस्पतालों को ऑक्सीजन सप्लाई के लिए प्लांट्स को किया पाबंद। CM की बैठक में प्रदेश भर में ऑक्सीजन की उपलब्धता का भी रिव्यू हुआ। CM ने ऑक्सीजन के सप्लाई चेन सिस्टम के लगातार मॉनिटरिंग कर अस्पतालों को ऑक्सीजन सप्लाई में रुकावट नहीं आने देने के निर्देश दिए हैं। चिकित्सा विभाग के प्रमुख सचिव ने CM को बताया कि सभी ऑक्सीजन प्लांट्स की लगातार निगरानी की जा रही है। ड्रग कंट्रोलर ने हर प्लांट की निगरानी शुरू कर दी है और सबसे पहले मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई जरूर कर दी है। कई अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर की भी कमी की बात सामने आ रही है। प्राइवेट लैब में अब 500 की जगह 350 रुपए में होंगे RT-PCR टेस्ट। राजस्थान सरकार ने कोरोना के RT-PCR टेस्ट की दर 500 रुपए से घटाकर 350 रुपए करने का फैसला किया है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने शनिवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। सभी लैब्स अब कोरोना जांच के RT-PCR टेस्ट के 350 रुपए से ज्यादा नहीं ले सकेंगे। यह दर सभी टैक्स चुकाने के बाद की है। ब्यूरो रिपोर्ट, AN247 न्यूज, राजस्थान।